टेक मार्च में मैं सपने प्रभाव का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बात करने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर जो है एमएस धोनी। मैं आपको इस वीडियो में एक बोनस टिप दूंगा, इसलिए आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। वो अभी 2 मंथ्स अपने इंडियन आर्मी के साथ बिताएंगे, तो इसलिए वो अपने वेस्ट इंडीज टूर के लिए अनअवेलेबल रहेंगे। तो इस एमएस धोनी के डिसीजन की वजह से कुछ इंडियन फैंस के दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे कि वो अभी इस टूर के बाद रिटायर होंगे क्या, उनकी जगह पे वेस्ट इंडीज टूर पे कौन खेलेगा, ये सारे क्वेश्चंस। तो एमएस धोनी ने क्लियरली बता दिया कि वो अभी रिटायरमेंट के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे। उनको बहुत सारे लोग टीज कर रहे कि रिटायरमेंट जल्दी से ले लो, लेकिन उन्होंने अभी तक रिटायरमेंट के बारे में कुछ रिवील नहीं किया है। और बाद में एक अनदर क्वेश्चन आता है कि अभी एमएस धोनी के जगह पे कौन खेलेगा। यहाँ पे 2 चॉइस है, एक दिनेश कार्तिक और एक ऋषभ पंत। कुछ लीक्स एंड रूमर्स से पता चला कि ऋषभ पंत एमएस धोनी के जगह पे खेलने वाले एज अ विकेट कीपर फॉर द वेस्ट इंडीज टूर। अभी देखते हैं दिनेश कार्तिक का मौका कब आता है इंडियन टीम में खेलने का। तो मेरी बोनस टिप है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो सबसे पहले देखिए। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।